कि बचपन में इससे बड़ी बड़ी दुविधाएं आई हैं और मैंने इसको पार किया है, बहुत बार पार किया, इस बार भी ये दुविधा पार हो जाएगी। अरे तुम्हारे अंदर हनुमान छुपे हैं, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम विफल नहीं होगे। जो व्यक्ति भीड़ में खड़ा है, सारे ऐशो आराम से जी रहा है, उसका सफल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। हो सकता हो भी जाए, पर उसके चांसेस बहुत कम है। उसके सफल होने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि उसके माता पिता पहले से सक्षम रहे हों, उसके माता पिता पहले से सक्षम हों, पहले से अमीर हों, वो उसका फ्यूचर सेट कर देंगे। आपके माता पिता के पास एक ही चीज थी जो उन्होंने आपको दे दी, थोड़े बहुत पैसे जिससे इसको आप वो पढ़ा रहे हैं। कुछ गिने चुने पैसे थे उनके पास, कई बार वो पैसे भी उधार लेके वो आते हैं, बस ये चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के कुछ कर जाओ। जितनी बार लाइफ आपको गिराए उतनी बार उठ के कम बैक करो। जब लग जाए कि सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, तो अपना जाके मुंह धुलो, अपने आप को याद दिलाओ कि बचपन में इससे बड़ी बड़ी दुविधाएं आई हैं और मैंने इसको पार किया है, बहुत बार पार किया, इस बार भी ये दुविधा पार हो जाएगी। अरे तुम्हारे अंदर हनुमान छुपे हैं, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम विफल नहीं होगे। वापस जागो, वापस उठते हैं। ऐसा कुछ करो जीवन में कि एक रविवार ऐसा हो कि पूरा भारत अपना काम छोड़ के आपको देख रहा हो। अभी चंद्रयान गया था, हर कोई अपना काम छोड़ के देख रहा था कि कब लैंड करेगा। ऐसा कुछ करो जीवन में, उससे पूछो ना, क्या सच में जो दिक्कत है वो बाहरी दुनिया में है, या कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे माइंडसेट में आ गई है। शायद हमारा अपने मस्तिष्क पे ही कंट्रोल नहीं रहा है। अचानक से ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए, अपने फैसले हम खुद से लेंगे, अब समय आ गया है कि हम बड़ों की तरह जीवन व्यतीत करें। कि लगभग 90-95% बच्चे IIT में गए हैं, टाइमिंग तो कोई बहुत बड़ी चीज थी ही नहीं उनके लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, किसी भी कंपटीशन में लड़ना, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की जो ट्रेनिंग होती है वो आ जाए। बस अपनी प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड करें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले आप डिसिप्लिन में आए। साल के शुरू में आपने खुद से क्या वादा किया था? समय से पढ़ेंगे, अपना होमवर्क भी करेंगे, अपने सारे वादे आपने आपसे किए थे। आपने क्या कहा था कि त्याग कर देंगे जीवन में बाकी सुख ऐशो आराम, हर चीज का त्याग करेंगे, जीवन में अपने सबसे कीमती चीज की बलिदानी देंगे, पूरा दिल लगा के पूरी शिद्दत से सिंगल माइंड से तैयारी करेंगे, यही सोचा था। क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप भटक गए, कहीं ना कहीं आप उन चीजों में समय देने लग गए जिसमें आपको नहीं देना था। आपके हाथ में जो शैतान है, जो राक्षस है, इसने आपको भटका दिया। रात में जब आपको रिवीजन करना चाहिए, जब आपको DPP करना चाहिए, उस टाइम आप WhatsApp पे बाबू सुना करते हुए फंस गए हो। देख लो जिन लोगों के चक्कर में पड़े हो, एक बार देख लो ध्यान से उनको, जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको सही में पलकों पे बैठा के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे भी? वहाँ पे भी गिरला रहे हैं सिर्फ आप इज्जत मांगने के लिए। आप इतने इनोसेंट, इतने मासूम हो ना, किसी ने एक प्यारा मैसेज आपको भेज दिया ना, तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, सिर्फ मेरा ख्याल रखता है, वो इंसान मुझे कितना प्रेम करता है। बहुत मासूम हो आप, बहुत भोले हो आप, बहुत इनोसेंट हो बेटा आप। कोई आपको स्कूल में एक बार ऐसे स्माइल देके आपसे चार बातें कर लेता है ना, आप सोचते हो गया प्यार, अब तो ये मेरे मैं इनका। फिर लग गए इंस्टाग्राम पे उनके लिए स्टेटस लिखना, उनके लिए लाइन लिखना, वो लाइन वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो लाइन आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, मेरे घर के हालात ऐसे हैं, घर पे प्रेशर ऐसा है सर, नहीं हो पाता है सर।